हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे। आप फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हो, आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर इंजीनियरिंग के आखिरी साल में हो, या फिर 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, या फिर स्कूल सेक्शन में हो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो और आप इंजीनियरिंग बनने का ख्वाब देख रहे हो या बन चुके हो, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि आज ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपको इंजीनियर बनने से पहले या इंजीनियर बनने के बाद दोनों जगह पे काम आ सकती है, अपने फ्यूचर को अचीव करने के लिए, अपने डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए। तो चलिए, प्यार भरी मोहब्बत भरी लाइक कर दो, फटाफट प्यार वाली शेयर करो, एंड पकड़ पकड़ के सबसे सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए सबके साथ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं। राइट जी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का हिस्सा भी बन सकते हो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, एग्जैक्टली ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है गोल। सर ये क्या नया बोल रहे हो, है ना, ये तो हमें भी पता है जनाब। हर एक का गोल होता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, वो डिग्री सर्टिफिकेट मेरे घर के ऊपर, मेरे दीवार के ऊपर लटका के रखूँ और फिर बिल्कुल उसको देखते मज़े करूँ। जनाब इंजीनियरिंग ये ऐसी डिग्री है जहाँ पे इंजीनियरिंग में जब आप पाँव रखते हैं ना, वहाँ से एक्चुअल स्ट्रगल आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल, एग्ज़ाम्स, ओरल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, उसके साथ मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये सारी चीज़ें तो आप करते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ आगे जाके आपको क्या करना है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज थोड़ा डिस्कस करते हैं इसी बारे में। देखिए, दो प्रकार के इंजीनियर हमेशा बनते हैं, दो प्रकार के। पहला इंजीनियर होता है जो जॉब करना चाहता है अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद, और दूसरा इंजीनियर होता है जो आगे जाके फ्यूचर स्टडीज़ करना चाहता है या फर्दर स्टडीज़ करना चाहता है। कि अभी देखो, जॉब किया तो गलत है या हायर स्टडीज़ किया तो सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर एक के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करता है। अभी किसी ने एजुकेशन लोन लिया है किस बंदे ने, तो जाहिर सी बात है उसको जॉब करना नेसेसरी है। किसी को अगर अब्रॉड जाके पढ़ाई करना है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तो ऑब्वियस थिंग है उस यूनिवर्सिटी का अगर क्राइटेरिया है कि मैं 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होने के बाद ही आपको एमएस के लिए वहाँ पे अप्लाई हो सकते हो, तो जाहिर सी बात है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, तो उस केस में जॉब बिल्कुल सही है। और हायर स्टडीज़ जो है, फ्यूचर स्टडीज़ जो है, वो तो हमेशा बेटर है, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, और जितना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे उससे कई गुना ज़्यादा हमेशा ज़िंदगी में रिटर्न्स मिलते हैं, इतना चीज़ हमेशा याद रखो। तो अपना गोल जो है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए इंजीनियरिंग शुरुआत करने से पहले। अभी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, वो अगर मुझे सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनाब, आपका गोल अभी से फिक्स्ड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग है ना जस्ट एंटर किए होते हैं। अगर मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है कि नहीं मुझे जॉब ही करना है, तो जाहिर सी बात है आप जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट स्किल्स है वो सेट करिए, वो सीखना शुरू करिए। और अगर आप फ्यूचर स्टडीज़ करना चाहते हो तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करिए। तो अपना पहला चीज़ क्या है जानने का कि मेरा गोल, मेरा मेन एम क्या है, वो फिक्स्ड होना बेहद ज़रूरी है। चलिए जाते हैं मेरे सेकेंड चीज़ के ऊपर। सेकेंड चीज़ क्या है? ऑब्जर्वेशन पावर। देखिए, हमेशा एक डायलॉग में इंजीनियर, मेरे जो भी इंजीनियर्स हैं उनको हमेशा कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, कि इंजीनियर को चीज़ें दिखती नहीं है, वो खुद देखता है। क्या बात है, इंजीनियर को चीज़ दिखती नहीं है, वो खुद ब खुद उसको देखता है। इसका मतलब क्या? मुझे ये चीज़ आज दिखी नहीं, मैंने ये चीज़ आज देखी। फ़र्क है दोनों में। दिखी मतलब ऐवी दिख जाती है मुझे, और देखना मतलब मैं खुद होके उसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे काम का चीज़ उसमें क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैकेनिकल वाला बंदा है, रास्ते पे चल रहा है, किसी का बाइक ख़राब हो चुका है, तो जाके देखिए, फिर भी आपको कुछ पता नहीं है,
फिर भी जाके देखिए कि उसमें कहाँ पे खराबी हुई है। मैकेनिक आया हूँ ना, हो ना, अगर उसको बिगाड़ है, जो भी है खराब हुआ है, उसको ठीक कर रहा है, तो जाके उधर खड़े हो जाइए कि वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली। अब ये मैकेनिकल वालों के साथ साथ ऑटोमोबाइल वालों को भी काम में आएगा, राइट है जी। तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऑब्जर्व करना सीखते हो इस इंजीनियरिंग के दौरान। इनफैक्ट ये ऑब्जर्वेशन पावर आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। जैसे अपन यूजुअल लाइफ में ना, अपने को क्या पसंद है, स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, मीम्स पसंद है, ये क्या कहाँ से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है। हाँ, ये अच्छा लगा, मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। सेम चीज़ आपको अपने इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी फॉलो करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी, आप खुद ब खुद उसको देखोगे। ओके जी, मेरी तीसरी चीज़ क्या है जो कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्रेंड सर्कल। सर ये क्या नई बात हुई, हम लोग ने स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाए, हम लोग ने जूनियर कॉलेज में नए फ्रेंड्स बनाए, अब सीनियर कॉलेज की बात आ चुकी है, हम तो फ्रेंड एवी बना लेंगे। ये एवी बना लेंगे वाला जो नज़रिया है ना, मुझे उसी को चेंज करना है। जना फ्रेंड बनाना ठीक है, हम अच्छे दोस्तों को हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बुरे दोस्त उसके साथ अपने आप जुड़ जाते हैं, अपने आप जुड़ जाते हैं, है ना। एक शक्कर का जो भी पार्टिकल अगर पड़ा हुआ है, उसको है ना अलग 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 कीड़ा आके लग जाता है। बुरे लोग भी वैसे ही होते हैं, आप अच्छे हो ना, आजू बाजू वाले बुरे लोग आपको आके पहले चिपकेंगे। तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप किसके ज़्यादा क्लोज रहते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में फ्रेंड सर्कल बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आप एक नॉर्मल आईआईटी ले लो, एक आईआईटी कॉलेज ले लो, एक आईआईटी कॉलेज का कैंपस ले लो, और एक साधारण कॉलेज ले लो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रिलेटेड रहता है, तो दोनों के कैंपस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आईआईटी वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ के बारे में बोलते रहते हैं। आई न्यू इट, उधर भी बुरे लोग होते हैं, लेकिन जनाब उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडिया के बारे में चलते रहता है। और जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या होता है, सारे नहीं, कुछ कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, सारे कॉलेजेस को मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉलेज, इनफैक्ट वो कॉलेज के कुछ गिने चुने लोग वो क्या करते हैं, अपनी संगत में जितने लोग रहते हैं उनको बिगाड़ देते। अब एक बंदा अगर 10 बंदे लोग को बिगाड़ रहा है तो अपने फ्यूचर ही खराब हो रहा है यार, अपने हिंदुस्तान का फ्यूचर खराब हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए जो आपको फ्यूचर के लिए काम आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके फ्यूचर आइडियाज़ डेवलप, अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, अरे रमेश ये आइडिया सुन, रमेश ने सुना अच्छे से, रमेश बोला हाँ ये कर, इससे फ़ायदा होगा। अच्छा फ्रेंड, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, ये अच्छा वाला फ्रेंड है। लेकिन अगर वही रमेश बोले अरे क्या घटिया आइडिया दिया यार तूने, ऐसे तो 10 लोग कर दे, आज ही नाता तोड़ दो उससे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो मेरा चौथा चीज़ है, फोर्थ वन, ये तीसरे वाले चीज़ से बहुत कोरिलेट करता है, पता है नाम है एडिक्शन। यार बुरे फ्रेंड्स के वजह से बुरी एडिक्शन लग जाती है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सबको पता है, बुरे एडिक्शन, कुछ अच्छे एडिक्शन भी होते हैं, राइट? ज़्यादा रीड करना, आई न्यू इट, ये अच्छा ही है, लेकिन किस हद तक, जिस हद तक आपके आँखों को तकलीफ ना हो। अगर आप ज़्यादा कंटिन्यूसली 12-12 13-13 घंटा रीड करते बैठोगे, आँखों को तकलीफ होता है। कोई भी एडिक्शन अगर वो एक लिमिट तक रहता है तो ठीक है, लेकिन वो अगर उसकी बाउंड्री क्रॉस कर दे तो जनाब वो तकलीफ देना ही देना है। तो एडिक्शन ये जो चीज़ है, अच्छी एडिक्शन अच्छी बात है, लेकिन लिमिट तक रखो। बुरी एडिक्शन लिमिट तक भी नहीं, जीरो तक ही रखना है, स्टार्ट भी नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? फ्रेंड से होती है। तो फ्रेंड अच्छा वाला रखना ज़रूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो तीसरे और चौथे पॉइंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जनाब इंजीनियरिंग के करियर में, राइट जी। एंड द फाइनल वन विच इज़ द मोस्ट एंड मेरा सबसे फेवरेट, दैट इज़ रीडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिए। हम लोग यूजुअली क्या करता है पता है इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक होता है। फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक फिक्स्ड है, हाँ यही पब्लिकेशन के पढ़ेंगे, पुणे यूनिवर्सिटी के यही पब्लिकेशन के पढ़ेंगे, बोलेगा तो इससे क्या होता है, हम एक बाउंड्री तक ही हम एक स्पेसिफिक नॉलेज लेते हैं।
लेकिन जब आप ये रेफरेंस बुक पढ़ना शुरू करोगे, जो है ना रहता है ना हजार हजार पन्नों का टेक्स्ट बुक, आई न्यू इट पढ़ना डिफिकल्ट है इतने कम समय में, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना जनाब, कर तो ज़रूर सकते हो। एक सब्जेक्ट ऐसा बनाओ जो बिल्कुल मैं ही बाप बन जाऊँ, उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो वो कब आएगा? जब आप उस टेक्स्ट बुक को, उसके रेफरेंस बुक को बड़े ध्यान से और डीपली पढ़ोगे तब। अब पढ़ने से क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा, उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, वर्ड्स पता चल जाएंगे, टेक्निकल वर्ड्स पता चल जाएंगे। अगर आपको ये वर्ड्स पता चल गए तो जाहिर सी बात है आपका कम्युनिकेशन स्किल उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सर इसका फ़ायदा क्या है? ऑब्वियसली इसका फ़ायदा इंटरव्यू में होने वाला है। इंटरव्यू में जब टेक्निकल राउंड में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अगर आप उसको टेक्निकल भाषा में ही आंसर करोगे तो जनाब सोचिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं मेरे आइडियाज़ के बारे में बात करूँ, ताकि उसको डेवलप करने में ज़्यादा सहायता मिले। तो कैसी लगी ये 5 चीज़ें मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या उसको आप अभी से शुरुआत कर रहे हो ये भी मुझे बताइए। अगर उसको शुरू करने में मेरी कुछ हेल्प आपको चाहिए तो वो भी बताइए, हम आपके लिए 2400 घंटा हाजिर है यार, तो ज़रूर हमें बताइए। और कैसा लगा वीडियो फटाफट मोहब्बत वाली लाइक करो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना नहीं है। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग सेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।